हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हैकिंग में सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की क्या रिक्वायरमेंट होती है, और मैं कुछ गैजेट के बारे में बात करने वाला हूँ गाइस। ठीक है, कुछ लोगों को डाउट रहता है कि हम विंडो में हैकिंग नहीं कर सकते, हम लिनक्स में ही हैकिंग कर सकते हैं। कुछ लोगों को डाउट रहता है कि हम कितना रैम यूज़ करें, कौन सा GPU यूज़ करें, ठीक है, हमें कौन सा डिवाइस, कौन सा गैजेट हमें लेना चाहिए। तो इस वीडियो पे एंड तक बने रहिए, आपका सभी डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाने वाला है गाइस। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो फर्स्ट नंबर पे आता है कि हम कौन सा प्रोसेसर यूज़ करें। कम से कम हमें गाइस प्रोसेसर में यूज़ करना चाहिए फॉर हैकिंग के लिए, ठीक है, राइजन AMD में आप यूज़ कर सकते हो i3 प्रोसेसर, ठीक है, इंटेल का आप यूज़ कर सकते हो i3 प्रोसेसर 1.8 GHz का। कम से कम अब ज़्यादा कि आपका बजट ज़्यादा है, अच्छा खासा पैसा है आपके पास, तो आपको रिकमेंडेड करता हूँ आप 2.8 कोर 8 का, ठीक है, क्वाड कोर 2.8 GHz i5 प्रोसेसर, राइजन में भी है इंटेल में भी है, आप दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हो, आपकी ये चॉइस है। राइजन में आपको स्पीड थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा मिलेगी। अगर आपके पास लैपटॉप है तो जो पावर कंजप्शन ज़्यादा होगा, उसकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा हो, तो आप राइजन आप PC यूज़ कर रहे हो तो PC इज़ द बेस्ट, PC आप यूज़ कर रहे हो तो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। अब रैम की बात करें, यहाँ पे रैम हमें कितना यूज़ करना चाहिए, तो गाइस देखिए जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेट करता है उसे कम से कम रैम हमें यूज़ करना चाहिए 512 GB तक, ठीक है। अगर आपके पास SD कार्ड है एक्सटर्नल तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो डेटा स्टोरिंग के लिए। अगर मैं रिकमेंड करूँ तो आपको 1 TB आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप वर्चुअलाइजेशन करते हो, अलग चीज़ों को स्टोर करते हो, तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब GPU की मैं बात करूँ, ग्राफिक्स क्यों यूज़ करते हैं, ग्राफिक्स यूज़ करते हैं ब्रूट फोर्सिंग के लिए, ठीक है, ज़्यादातर तो ब्रूट फोर्सिंग में आप कम से कम ग्राफिक यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो 940MX का, ठीक है, रिकमेंडेड आपको करता हूँ मैं, अगर आपके पास बजट है तो। काफ़ी महंगा भी आता है, जो 940 का बताया गया है उसमें 2 GB आपको मिलता है, ठीक है, 2 GB, और 1060 का जो GTX का है आपको 4 GB मिलेगा उसमें, काफ़ी अच्छा, थोड़ा पैसे आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे वहाँ पे, और कुछ नहीं। अब यहाँ पे कोई नेटवर्क अडैप्टर, आप एक नेटवर्क अडैप्टर ले लेना मार्केट से, आप लैन केबल का भी यूज़ कर सकते हो फॉर डेटा ट्रांसफरिंग एंड इंटरनेट यूजिंग। अब मैं यहाँ पे OS की बात करता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो का होना चाहिए, विंडो का नहीं होना चाहिए, लिनक्स का ही होना चाहिए, पैरट यूज़ करो, काली यूज़ करो, बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं, मिथ है। सो ये सब चीज़ें नहीं है गाइज, आप विंडो पे भी हैकिंग कर सकते हो, ठीक है, विंडो पे भी हैकिंग कर सकते हो, काली अगर लिनक्स है, लिनक्स में क्या है आपको प्री इंस्टॉल पहले से ही टूल इंस्टॉल मिलते हैं वहाँ पे, तो आपके पास लिनक्स है तो अच्छी बात है, आप विंडो है तो विंडो पे भी कर सकते हो, विंडो पे भी एनजीरो अपाचे सर्वर ये सब वगैरह यूज कर सकते हो वहाँ पे पेन टेस्टिंग के लिए, वेब पेन टेस्टिंग के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि पाइथन इंस्टॉल कर लेना, पाइथन सबसे ज़रूरी है, आपको हर वक्त काम आएगा पाइथन 2 एंड इसके जो मॉड्यूल्स है पाइथन 3 वो भी इंस्टॉल कर लेना। अब आपको सिस्टम में वर्चुअलाइजेशन करना पड़ेगा, वर्चुअलाइजेशन इज़ अच्छी सही सोच है कि जो वर्चुअलाइजेशन करता है ना उसका जो मेन सिस्टम होता है वो हैक होने से बच सकता है गाइस। आप लर्निंग कर रहे हो, आप सीख रहे हो, तो आपको वर्चुअलाइजेशन कर लेना चाहिए आपके सिस्टम पे। इसके लिए मैं बोल रहा था कि आप अच्छे खासे आपको रैम यूज़ करने चाहिए, रैम यूज़ रहेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब कुछ गैजेट के बारे में बताना चाहता हूँ, चलिए गैजेट के बारे में आपको बता देता हूँ। सो नंबर 1 गैजेट की बात करूँ तो OTG, आप OTG को यूज़ कर सकते हो डेटा ट्रांसफरिंग एंड डेटा यूजिंग, ओके। नेक्स्ट 1 USB रबर डकी, इसको आप पेलोड वगैरह एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, इंसर्ट करके एक्सप्लॉइट करना होता है। अब 3rd की बात करूँ तो USB किलर गाइस वो होता है, अगर हम किसी सिस्टम में इंसर्ट कर देते हैं तो सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है, चाहे वो आपका फ़ोन हो चाहे आपका लैपटॉप, एनी सिस्टम, ठीक है। जो नेक्स्ट डिवाइस में उसकी बात करूँ तो Raspberry Pi 4, ठीक है, Raspberry Pi को यूज़ कर सकते हो आप। ये एक टाइप का एक कंप्यूटर होता है गाइस, जो कि काफ़ी छोटा होता है, हमारे
कैबिनेट से काफ़ी छोटा, वो तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत ही छोटा होता है, उसे आप अपने हाथ में भी लेके कहीं पे भी जा सकते हो, ठीक है। तो आप उसमें लिनक्स भी इंस्टॉल कर सकते हो, एनी ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन इंस्टॉल इन रेसबेरी पाई। हम नेक्स्ट डिवाइस की मैं बात करूँ तो वाईफाई अडैप्टर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। स्नाइफिंग किसी नेटवर्क पे अपना कंट्रोल बनाना हुआ तो वो डिवाइस काफ़ी यूज़फुल होता है। अब नेक्स्ट डिवाइस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे GPU ड्राइवर हो गया, ये सब चीज़ें हैं जो गैजेट है, आपको मैंने बताया काफ़ी यूज़फुल है हैकिंग में। तो बस मेरे ख्याल से आप काफ़ी कुछ सीख चुके हैं इस वीडियो से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।